नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच आखिरकार जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन, और ऐसे में अब सरकार ने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक के बाद यह फैसला ले ही लिया। बिहार में 5 मई से लेकर के 15 मई तक के लिए फिलहाल लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि बैठक के बाद कई सारे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अब प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लेकिन ऐसे में जब प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई तो सबसे बड़ी समस्या किसी खास लोगों के लिए हुई। ये समस्या उन लोगों के लिए हुई जिनके घरों में शादी समारोह थे, तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब उन लोगों के लिए आखिर में समस्या हो गई। इसको लेकर के लगातार लोगों ने जब हमसे पूछा कि क्या प्रदेश में लॉकडाउन के बीच में शादी समारोह होगा, इस खबर को इसलिए हम कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया जिसके बाद इसकी जानकारी आपके लिए जरूरी थी। तो आपको बता दूं कि प्रदेश में लॉकडाउन के बाद भी, यानी कि 5 से लेकर के 15 तारीख तक जो 10 दिनों का लॉक है, उम्मीद यह भी की जा रही है कि आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 15 तारीख तक जो लॉकडाउन लगे हैं इसमें सरकार ने उस तरीके के कार्यक्रम, यानी कि शादी समारोह जैसे जो कार्यक्रम हैं और जो पूर्ण निर्धारित हैं, यानी कि पहले से जो तय कर दिया गया है और जिसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, वो सभी समारोह होंगे। हालांकि समारोह सभी की बात मैंने की है, सिर्फ शादी समारोह, ना कि कोई और कार्यक्रम, ना ही सरकारी कार्यक्रम होंगे और ना ही किसी भी अन्य तरीके का कार्यक्रम होगा, सिर्फ शादी समारोह जो है, जो कि पूर्व निर्धारित है और ये लोगों की जिंदगी के लिए काफी खास होते हैं, इसलिए सरकार ने इसको लॉकडाउन में फिलहाल छूट दी है। यानी कि शादी समारोह जो होगा वो होगा और इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत होगी। अब आपको बता दूं कि आखिर में क्या कुछ करना होगा अगर लॉकडाउन के दौरान आपके घरों में शादी होती है, तो इसके लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाने होते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन में अगर आपको शादी करनी है तो आपको अधिकारियों से, यानी कि प्रशासन जो है उससे, आपको 3 दिन पहले अनुमति लेनी होगी, और इस अनुमति में आपको ये बताना होगा कि शादी समारोह कहाँ होगा, और साथ ही साथ निर्धारित व्यक्तियों की संख्या रखी गई है, यानी कि शादी समारोह में, जो कि सरकार ने पहले ही पाबंदियों में 50 लोगों की संख्या रखी थी, उतने ही लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। इनमें दोनों पक्ष के लोगों को मिलाकर के 50 लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ सरकार ने जो बात की है, इसमें जो अध्यादेश, जो आदेश जारी किए गए हैं, इस आदेश के मुताबिक कहा गया है कि जो भी शादी समारोह होंगे इसमें अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई हैं। इस शर्तों में यह कहा गया है कि किसी भी शादी समारोह में डीजे या बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी, यानी कि शादी समारोह के लिए आपको बारात नहीं निकाल सकते हैं, और ना ही आप कार्यक्रम में डीजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शांति रूप में जो रस्म करने होंगे सिर्फ और सिर्फ वो रस्मों को अदा किया जाएगा। इसके साथ साथ विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर शादी समारोह के पहले ही प्रशासन जो है आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए लॉकडाउन में अगर आपके घरों में शादी है तो आप खास तैयारी कर लें। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अंतिम संस्कार होंगे और श्राद्ध क्रम जो होगा उसकी भी अनुमति सरकार ने दे दी है, यानी कि लॉकडाउन में शादी समारोह के साथ साथ अगर अंतिम संस्कार होता है तो उसके लिए भी आप कुछ निर्धारित व्यक्तियों की संख्या रखी गई है, जो कि पहले ही सरकार ने कहा है 20 लोगों की, यानी कि शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकते हैं और श्राद्ध क्रम में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन शादी समारोह के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों का बखूबी पालन करना होगा। अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर आदेश का उल्लंघन करने पर साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी, और ये जो होगा ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 60 के धारा 188 के तहत कई प्रावधान होंगे और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, और साथ ही साथ समारोह में पूरी तरीके से बाधा और विघ्न उत्पन्न हो सकता है। आपको जरा सा इस खबर को बताने के साथ साथ आपको बता दूं कि केरल की जो तस्वीरें आई थी और जिसमें खुद डीएम ने, हालांकि आदेश तो डीएम ने दिया ही था, जिसकी अब सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से फजीहत हो रही है, लेकिन उस तरीके के कार्यक्रम अगर आपके आसपास ना हो, इसलिए अगर आप तैयारियां कर चुके हैं शादी समारोह की और 5 मई से लेकर के 15 मई के बीच में अगर आपके घरों में कोई कार्यक्रम होना है तो तैयारी पूरी कर लें, सरकार के आदेशों का पूरी तरीके से पालन करें, और ये पालन करना भी जरूरी है क्योंकि संक्रमण के बढ़ते इस खतरे के बीच में सरकार के साथ साथ सहयोग की जरूरत है, और सहयोग आपको और हमें मिलकर देना होगा। इस
कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए आपकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सरकार अपने स्तर से अदा कर रही है। ऐसे में हम आपसे लगातार निवेदन कर रहे हैं और एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रखें और देखते रहें DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।